अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मटन मसाला बिरयानी बनाने की रेसिपी। ये बिरयानी बहुत ही खुशबूदार और टेस्ट से भरी हुई बनती है। अगर आपको मसाला बिरयानी पसंद है तो आप इसे ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। और जब भी आप इसे अपने घर में बनाएंगे तो आपका घर खुशबू से भर उठेगा। तो चलिए ये खुशबूदार सी बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक, 2 मैंने जावित्री के फूल लिए, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया, 1 चम्मच सौंफ पाउडर लिया, 4 छोटी इलायची ली हैं, 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ली, 8-10 लौंग ली, 1 जावित्री का टुकड़ा लिया, 1 जायफल का टुकड़ा लिया है और 1 बड़ी इलायची ली है। ये हम अपनी अखनी में डालेंगे। फिर मटन हमने 1.5 किलो लिया है, इसमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया है और ये सारे मसाले जो मैंने अखनी के आपको दिखाए थे इसमें डाल दीजिए। फिर डाल दीजिए आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, उसके बाद 1 प्याज डाल दीजिए आप। 1 प्याज डालने के बाद इसमें आप सीटी लगा दीजिए, 4-5 सीटी, एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए इसको पकने के लिए रख दीजिए। अब हम चावल का मसाला देख लेते हैं। 1 फाइन चॉप अनियन ली है, उसके बाद लिए हैं 8-10 हरी मिर्चें, 2-4 काली तेज़ पत्ते, 8-10 काली मिर्च, 8-10 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 चम्मच जीरा, काला ज़ीरा लिया है मैंने। अब हमारी अखनी जो है तैयार हो चुकी है। अब हम भगोने में तेल ले लिया, मैंने 200 ग्राम के करीब तेल डाला और ये मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे धीरे धीरे करके इसमें सब डाल देंगे हम। तेज पत्ते डाल दिए हैं, उसके बाद ज़ीरा डालेंगे, काला पुलाव वाला ज़ीरा मैंने डाला है, छोटी इलायची काली मिर्च वगैरह डाल देंगे। फिर 1 प्याज जो फाइन चॉप थी वो भी इसमें डाल दिए और इसे थोड़ी देर पका लेंगे। हरी मिर्चें डाल दी हैं मैंने, 8-10 हरी मिर्च डाली है मैंने। अखनी में मिर्च अभी नहीं ऐड की थी, अखनी सिर्फ मसाले और नमक में ही पकाई थी। और अब हमारी जो प्याज है वो अच्छी खासी फ्राई हो चुकी है, इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसमें धीरे धीरे करके हम जो भी सारी बोटियाँ हमारी हैं अखनी की वो डाल देंगे। मैंने अखनी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखा था कि पानी बच जाए, सारी बोटियों में पानी एब्जॉर्ब हो चुका है और धीरे धीरे करके हम सारा जो मसाला अखनी का है वो इसमें ऐड करते जाएंगे। ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ी सी पीली मिर्च डाल देंगे, क्योंकि मैंने अखनी में मिर्च नहीं डाली थी, मैं 2 चम्मच मिर्च डालूं क्योंकि मुझे चटपटी मसालेदार बिरयानी बनानी है। 2 चम्मच मिर्च डालने के बाद इसे अच्छी तरह से और भून लेंगे बोटियों में और अच्छी महक खुशबू बस जाएगी। और थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल देंगे इसमें हम, ताकि जो चावल पके तो उसमें और भी अरोमा बढ़ जाए। और इसमें मैंने 4 ग्लास पानी डाल दिया है, इसका खोल आने का इसका वेट करेंगे जब तक पानी बॉईल होगा। उसमें हमने नमक डाल और ऐड कर दिया है, नमक हम जो है पानी में पहले ऐड करके उसे खौला लेंगे। मैंने 4 चम्मच नमक डाला है इसमें क्योंकि हमारे 4 ग्लास चावल थे। ये चावल मैंने ड्रेन आउट कर लिए, अच्छी तरह से धो लिए हैं। ये सारे चावल खोलते हुए पानी में ऐड कर देंगे और फिर अगर हम अपनी पानी क्वांटिटी को देख लेंगे, अगर पानी कम लगता है तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे। पानी हमें इतना रखना है कि जो हमारी उंगली है वो पूरी नाखून के ऊपर तक, पूरी आधी से थोड़ी कम उंगली भीग जाए, इतना पानी रखना है। धीरे धीरे करके पानी हमने इसमें सारे चावल ऐड कर दिए, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया क्योंकि मुझे कम लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने जायफल और छोटी इलायची का पाउडर इसमें ऐड कर दिया, इससे खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप इसे ज़रूर डालिए, मसाला बिरयानी में ये बहुत ही अच्छा अरोमा देता है।
इसे आधे घंटे तक पका लेंगे। मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है, इसमें मैं 2-4 चम्मच केवड़ा पाउडर डालूंगी। केवड़े से भी बहुत अच्छा बिरयानी में अरोमा उतरता है, इसलिए अच्छे से केवड़ा और कलर को अच्छी तरह घोल लेंगे। फिर हम अपनी पकी हुई बिरयानी में इसे ऐड कर देंगे। माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, खुशबू से मेरा घर भर उठा है। आप भी इसे ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी और सब आपके खाने के फ़ैन हो जाएंगे। ये कानपुर स्टाइल मसाला बिरयानी बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ख़ुद भी बना के देखिएगा ये मज़ेदार सी मसाला बिरयानी। माशाल्लाह बिरयानी बहुत ही अच्छी लग रही है और बहुत ही खुशबू पूरे घर में भरी हुई है। चलिए अब हम इसे सर्व करेंगे।